सीएम अशोक गहलोत ने नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया, अपने पास रखे ये अहम विभाग। वायुसेना के जाबाज विंग कमांड अभिनंदन को मिला वीर चक्र। यूके की तरफ से कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, भारतीय छात्रों और पर्यटकों के लिए राहत। गोरखपुर में नड्डा की हुंकार, बोले विपक्षी पार्टी वंशवाद लेकर चलती है, हम राष्ट्रवाद को। सीएम केजरीवाल का ऐलान, पंजाब में हर महिला को देंगे 1000 रुपए प्रतिमाह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की 20 लाख तक का ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने सीएम के सामने कहा कि 5 लाख की सीमा में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं और इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जरूरतमंदों से आवेदन किए जाएं, उन्होंने 20 लाख तक लोगों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ऐलान किया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई खेल नीति पर मुहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, डाइट और किराया भत्ता बढ़ाया जाएगा। कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए कारगर नीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए भी कई आकर्षक योजनाएं भी लागू की गई हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज पंतनगर पहुंचे। जानकारी के अनुसार जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त राज्यपाल गुरमीत सिंह 11:30 बजे दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर गाड़ी ऑफ ऑनर भी दिया गया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने पुष्पा गुच्छा दिया गया और साथ में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की ओर से पुष्प भेंट किए गए। यहाँ से वह कार द्वारा जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहाँ विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप उनका स्वागत किया। भोजन के बाद राज्यपाल यूनिवर्सिटी का इतिहास के बारे में जानकारी ली। वहीं म्यूजियम में बच्चों से संवाद भी किया गया। देहरादून के आयोजित बोसित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और युवाओं और महिलाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे मुख्यमंत्री धामी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जनसंवाद किया। जनसंवाद में कहा गया कि आगामी 25 सालों में उत्तराखंड को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और 2025 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, सतत विकास के मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी से चर्चा की गई। इस दौरान कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बाजपुर में आज केला खेड़ा पुलिस ने एक अभियुक्त को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने किया। बता दें कि उत्तम सिंह नगर में पहाड़ों से लाकर अफीम चरस गांजा की सप्लाई बड़े स्तर पर की जाती है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त के पास से 2 किलो चरस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़ी गई चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में 48 लाख की कीमत है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी केलाखेड़ा पुलिस के द्वारा हमारे सीओ बाजपुर महोदय के अधीक्षण निर्देशन में कार्य करते हुए कल एक अवैध चरस की बहुत बड़ी रिकवरी की गई है, जिसकी मात्रा तकरीबन 2 किलो है और एक अभियुक्त जिसका नाम किशत साद सन ऑफ राज खान, वार्ड नंबर 4 थाना केलाखेड़ा का रहने वाला है, उसके पास से अवैध 2 किलो चरस बरामद की गई है और जिस मोटरसाइकिल पर वो परिवहन कर रहा था उस मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया गया है। इनके इस अपराध के संबंध में थाना स्तर पर NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको मेडिकल करवाने के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अवैध चरस है ये, पिथौरागढ़ के जो कुछ सीमांत एरियाज हैं तो वहाँ से ये लोग लेके आते थे और फिर नीचे जो है कुछ लोगों को ऊँचे दामों में इसको सप्लाई करते थे। तो अभी जो बातचीत आई है तो इस घटना में इनका अकेला ही प्रकाशन होना पाया गया है, कोई और अभी संज्ञान में नहीं आया है। फिर भी इनसे और जानकारी की जा रही है, इनके जो मोबाइल नंबर है उनको भी खंगाला जाएगा
और आगे या पीछे जो है वो भी ट्रैक किया जाएगा और लॉजिकल एंड पे पहुंचने की कोशिश की जाएगी कि और कोई अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जो अवैध 2 किलो चरस जो बरामद की गई है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 50 लाख। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए राजधानी देहरादून के किसान भवन में हंगामा हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों के वीर शिरोमणि सिंह भंडारी की ओर से कहा गया कि खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था न करने पर भी सभी जनप्रतिनिधियों का गुस्सा चरम पर है और सरकार की तरफ से सारी चीजें सही न होने से लोग काफी आक्रोशित हैं। सभी पंचायत जनप्रतिनिधि का आरोप है कि सरकार ने उन्हें वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी किसान भवन देहरादून से बुलाया है जहां पर सरकार ने उनके खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था नहीं की है। यहां तक कि बासी भोजन परोसा जा रहा है। ठंड से बचने के लिए कहीं भी रजाई कंबल की व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से जनप्रतिनिधि रात में सड़क पर ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे विकास भवन किसान भवन में पहुंचे। किसान भवन में हमको जब कमरे दिखाए गए तो कमरे का तो कोई बात नहीं, चलो बिस्तर था। जो बिस्तर था बिस्तर हमको खुद किसान भवन के गेट से और ऊपर अपने बेडों तक हमारी महिला प्रधानों द्वारा या प्रधानों द्वारा ले जाया गया। वो भी हम सब प्रधान लोगों ने मैनेज किया कि चलो कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब खाने की बारी आई तो खाना जब देखा गया तो वो खाना, उससे ज़्यादा खाना हम अपने घरों में अपने बच्चों या उससे ज़्यादा खाना तो हम अपने कुत्तों को खिलाते हैं। तो ये हम सारे प्रधान संघ की तौहीन है, प्रधानों की बेइज्जती है, जिस कारण से हमने वो स्थान छोड़ा और हम रोड। नई टिहरी में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सतीश नौटियाल ने बड़ी जानकारी दी। अधिशासी अभियंता सतीश नौटियाल ने जानकारी दी कि हमारे कार्यालय में वाटर क्वालिटी NABL की मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि टिहरी जनपद का पहला जल परीक्षण लैब का शुभारंभ किया गया है कि हमको पहले परीक्षण के लिए सैंपल देहरादून भेजना पड़ता था, लेकिन अब यही कार्यालय में जल परीक्षण ले खुलने से हम लोगों को काफी सुविधा हो गई है। उन्होंने जानकारी दी कि आप भी अपने स्रोतों को जल जलाकर लैब में परीक्षण करवा सकते हैं। जल संस्थान के लिए जो है बहुत ही हर्ष का विषय है कि टिहरी जल संस्थान की जो वाटर क्वालिटी लैब है उसको NABL की मान्यता मिली है। यह जनपद में जो है जल संस्थान की पहली लैब है। तो जो NABL के मानक है उसके अनुसार जो है ये मानकों पर खरी उतरी है और उसके जो पैरामीटर है जो 14-14 पैरामीटर के अनुसार जो है हम लोग इस पानी के जो सैंपल टेस्ट करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से जो है सभी उपभोक्ताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि जो पानी के सैंपल हैं वो अगर यहाँ पर टेस्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर। उत्तराखंड सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विरोध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 3 साल से मानदेय न मिलने से और समूह की महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने के विरोध में आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। समूह की महिलाओं का आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े वंचित स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ शासन प्रशासन की गलत व्यवहार किया जा रहा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया जा रहा है कि वहीं आज प्रदर्शन करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि अगर सरकार समय पर हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में हमें उन आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। हम उत्तराखंड सरकार ने जो हमें जुमलेबाजी की है हमारे साथ और हमें मतलब झूठे आश्वासन और झूठे आदेश हमारे को जो हमारे से हमारी जो मांगे थी टेक होम राशन के लिए, हमारा सक्रिय महिलाओं के मानदेय के लिए, सब झूठे आश्वासन दे दे के हम लोगों को मतलब जुमलेबाजी कर करके उसके लिए हमने ये धरना किया। आखिरकार आज हमने अपनी मातृशक्ति को समर्थन दिया है। समर्थन इसलिए दिया है कि जो टेक होम योजना है ये भारी गड़बड़ झाला है और ये सांपनाथ और नागनाथ कांग्रेस और भाजपा इस गड़बड़ झाला के पितामह है। तो इस पितामह को अब ये मातृशक्ति सैया पे लिटाने वाली है। सैया की तैयारी हो चुकी है। अगर 24 घंटे के अंदर इसका निराकरण नहीं हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल अपने बोरे बिस्तर लेकर यहाँ पर लेटेगा और तब तक नहीं उठेगा, या तो हम मरेंगे या ये।
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का आज जनपद रुद्रप्रयाग के ब्लॉक जखोली पहुंचे। यहां प्रीतम सिंह का जिलाध्यक्ष रुद्रप्रयाग ईश्वर सिंह बिष्ट और ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलिया ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। इस पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आज जनपद रुद्रप्रयाग के ब्लॉक जखोली में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला 2021 का विधिवत फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कलियर में दिल्ली से एक महिला अपने बच्चे के साथ जीआरओ के लिए पहुंची थी और इसी दौरान बरेली सराय के सामने पार्किंग की बच्ची गायब हो गई। बच्ची के गायब होने के बाद महिला ने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्ची के गायब होने पर महिला ने पुलिस में शिकायत की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बताया कि अज्ञात में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। काला ढूंढी में बन्नाखेड़ा रेंज के कमोला में हाथी का आतंक दिखाई दे रहा है और लोग दहशत के समय साय में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। काला ढूंढी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत आए दिन किसानों को हाथियों के फसल के नुकसान भुगतना पड़ता है। वहीं पहले भी कई लोगों की हाथियों के हमले से जान जा चुकी है। वहीं बन्नाखेड़ा रेंज में कमोला धमोला में हाथी के आतंक से दहशत के साए में ग्रामवासी जीने को मजबूर है। वहीं हाथी कमोला आबादी क्षेत्र में घुस गया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों शंख और घंटियां बजाकर हाथी को भगाने का प्रयास किया मगर हाथी नहीं भागा, जिसके बाद वन रेंज को इस बात की जानकारी दी गई। कोटाबाग ब्लॉक के निवासी दीपक अपनी संस्कृति की पहचान दिलाने के लिए संगीत के क्षेत्र में अपने गांव चांदीपुर से संसाधनों के अभाव में भी वे कुमाऊनी के संगीत को नया आयाम देना चाहते हैं। बचपन से संगीत के प्रति उनका रुझान है और उसी क्रम में दीपक ने हल्द्वानी MBPG कॉलेज से संगीत में परस्नातक की पढ़ाई पूरी की। गाँव के परिवेश से संगीत के क्षेत्र में जाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उनके द्वारा निर्देशित किए गानों के लिए वे संगीत लिरिक्स और कलाकारों का चयन आदि जटिल प्रतिक्रियाओं के उपरांत के अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर फैलाना चाहते हैं। सर, मेरा नाम दीपक कुमार और मैं यहाँ पर कोटाबाग शहर में नैनीताल जिले में कोटाबाग के चांदपुर गांव से निवासी हूँ यहाँ पर। और संगीत में मेरी बचपन से रुचि है और संगीत का रुझान बचपन से मेरे अंदर है। अभी मैंने कुछ गाने नए निकाल रखे हैं जिसमें अपने उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करने की एक छोटा सा प्रयास किया है सर, जिसमें हमारे जो संस्कृति है किसी भी रूप से छिपे ना, हमारी पहाड़ की संस्कृति दुनिया भर में जागृत रहे, जिससे हमारा जो पुराना कल्चर है वो मिटे ना, इसलिए मैंने कुछ गाने अपने इसमें निकाले हैं। उत्तराखंड के छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए उद्यान विभाग ने अब किसानों की आय दुगनी करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसानों के आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। भारत सरकार जापान की मदद से 526 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से प्रथम चरण में उत्तराखंड की जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में उद्यान विभाग छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए जापानी तकनीक से फल सब्जी मसाले की खेती करने और उसमें किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए पूरी तरह फोकस करने की तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की दिशा निर्देशन में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर जनपद में स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत जिला पंचायत राज अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के नेतृत्व में श्रीनगर कोटद्वार सहित राजकीय पॉलिटेक्निक पौड़ी एजेंसी चौक पौड़ी बस स्टेशन पौड़ी में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार का सदुपयोग करने और नए मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए भी जागरूक किया गया।
उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।